नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के जिला अस्पताल में दूरदराज से आने वाले गरीबों के सस्ते इलाज के बजाय बाहर से महंगे जांच कराने पड़ रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर जिला चिकित्सालय में एक रुपए की पर्ची पर दूरदराज से ग्रामीण क्षेत्रों से आए गरीब सस्ते इलाज का भरोसा लेकर जिला अस्पताल आते हैं, लेकिन जिला अस्पताल उन गरीबों को सस्ते इलाज के बजाय उनकी पर्ची पर बाहर की दवाइयाँ और जाँच लिखते हैं, जिससे गरीब लोग अब जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं से निराश हो गए हैं। जबकि सरकार के द्वारा जिला अस्पताल को फ्री जांच और दवाइयां दी जाती है। इसको लेके आई है क्या दिक्कत? अपने पिताजी के लेकर आए हैं। क्या दिक्कत है? इनके पेट में पत्थर ये बता रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए हैं। कितने नंबर में दिखाए डॉक्टर? 30-31 में दिन दिखाए हैं। क्या बोले डॉक्टर साहब? वो कह रहे हैं कि इनका उम्र कम है, बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ। और इनको मतलब इलाज के लिए पहले घर में अपना कर लीजिए, तब यहाँ कराएंगे, नहीं तो मेडिकल में ले जाइए। दवा जो लिखा गया है यहाँ पे कहाँ से लिखा गया? यहाँ बाजार की दवाई लिखे हैं, एक भी दवाई नहीं मिली है। अस्पताल से दवा कोई नहीं मिला? कोई नहीं दवा मिली। हमको हार्ट से समस्या है साहब। डॉक्टर साहब को दिखलाए? हाँ दिखलाए हैं। किसको दिखलाए? एक साही जी हैं, हृदय रोग जो है, रूम नंबर 1 में बैठते हैं। जिला अस्पताल सदर गोरखपुर। क्या बताया डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब वही दवा लिख दिए, तो बोले दवा ले लीजिए या जांच करा लीजिए। तो दवा मैं अंदर लेने गया तो केवल एक दवा मिला, 5 गोली, और 4 दवा 5 दवा हमको फिर बाहर से लेना पड़ा। तो बोले गणेश मेडिकल पर चले जाओ, वहाँ मिल जाएगा। हाँ, और जाँच के लिए एक पर्ची बना कर दिए, मोहर मार कर दिए हैं, तो बोल रहे हैं कि 1800 रुपया लगेगा, तारा मंडल जाकर अपना जांच करा लीजिए। उसके लिए हम लोगों ने अपने महानिदेशक को चिट्ठी लिखा था, वहाँ से बजट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से ये संभवतः 1-2 महीने में हमारे यहाँ मशीन आ जाएगी। उनने खनन विभाग से इसके लिए बजट की व्यवस्था कराई है, और बाकी हम लोग इसको जेम पे लेके और फिर इसकी सूचना खनन विभाग को देंगे। जब खनन विभाग हमको पैसा दे देगा तब इसका हम लोग जेम से ऑर्डर करके इसको ले आएंगे। जिला अस्पताल में जो मरीज गरीब हैं उनके उनको बाहर से दवाई लिखी जा रही है, 1-2 दवा अंदर का मिल रहा है, बाकी बाहर से दवा डॉक्टर साहब लोग लिखते हैं, उन्हें बता भी रहे कहाँ मिलेगा जाके लेकर। नहीं, ये तो गलत है, हमारे यहाँ लगभग सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और ये कहना जो बाहर से दवा ले लें गलत है। जो भी डॉक्टर कह रहे हैं और ऐसा है तो उनको अभी फिलहाल 2 दिन पहले मीटिंग में समझाया गया है, यदि कोई दवा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो बगल में जेनरिक की दुकान है और वहाँ बहुत सस्ते रेट पे मरीज को उपलब्ध हो जाती है सर, तो वहाँ उसको इंगित करें या नेम लिख के दें, नहीं तो सारी दवाई लगभग हमारे यहाँ सब उपलब्ध है। तो गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है, ऐसे में कई गंभीर बीमारियों के जन्म लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। इन्हीं सब बीमारियों की जानकारी और बचाव को लेकर पीलीभीत से हमारे संवाददाता प्रांजल गुप्ता ने डॉक्टर भगवान दास से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गर्मियों में बचाव को लेकर क्या टिप्स दिए, आप भी सुनिए। शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भगवान दास जी यहाँ मौजूद हैं, बात करेंगे। जिस तरीके गर्मियों का मौसम बेहद करीब है, ऐसे में लोगों को किस तरीके का अपने आप को जागरूक करना और किस तरीके एहतियात जो है बरतनी, इसके बारे इसी संबंध में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर जानना चाहिए जिस तरीके गर्मी का मौसम आ रहा है, बेहद नज़दीक है, ऐसे में लोगों को किस तरीके एहतियात बरतनी और क्या परहेज करना है? जी, होली के बाद एकदम मौसम बदलता है और होली के समय लोग मैं ये राय दूंगा कि होली के समय लोग अपने घरों में ही पकवान बनाएं और घर के घरों के ही पकवान को खाएं, बाहर की चीज़ कोई खाए नहीं, क्योंकि यदि आप बाहर की चीज़ कोई खाते हैं तो वो दूषित होती है और उससे आपको इन्फेक्शन होने का डर रहता है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, तो हमें साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान रखना होता है। और गर्मियों में बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया है, उल्टी है, बुखार है, तो हमें सफाई पर ही मुख्यतः ध्यान देना है, इधर उधर की हमें कोई चीज़ नहीं खानी है, घर का ही बना हुआ सब कुछ खाएं। जिस तरीके देखा जाता है गर्मियों में बहुत तेज़ धूप होती है तो लोगों को बाहर निकलते हैं, धूप के भी थकड़ उससे बचने के लिए क्या? उससे बचने के लिए हमें जो है पानी अपने साथ में रखना चाहिए और पानी जो है कोई भी दूषित पानी ना पिए, अगर पानी पीना है तो इंडिया मार्का का पानी जो है पिए या अपने घर से पानी लेकर के जाएं, इधर उधर का पानी ना पिए, और नींबू हो
नमक हो उसका भी घोल बना करके आप साथ में रख सकते हैं, अगर तेज़ धूप है तो वही पानी का सेवन करें। ठीक, जिस तरीके से डॉक्टर भगवान दास जी से हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके बेहद गर्मियों का मौसम आने वाला है और होली के बाद तुरंत जो है गर्मी विकराल रूप धारण कर लेती है, तो कहीं ना कहीं जो है गर्मियों में जो है पानी साथ में रखें, उन्होंने जो तमाम चीज़ें बताई उनका जो है विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पीलीभीत से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए प्रणव गुप्ता। तो पीलीभीत से आपको बता दें कि प्रांजल गुप्ता जो कि हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने गर्मी में जो बीमारियां काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं, उन बीमारियों से कैसे बचाव किया जा सके, तो उसके लेकर आपने ये बातचीत जो है वो देखी कि किस तरीके से डॉक्टर भगवान दास ने कैसे कैसे टिप्स दिए और बचाव किस तरह से किया जा सकता है उसको लेकर डॉक्टर भगवान दास ने तमाम जानकारियाँ दी। तो पीलीभीत के निवासी हैं डॉक्टर भगवान दास, जिनसे आज खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रांजल ने, और प्रांजल गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि गर्मी में जिस तरह की बीमारियों का सामना कई लोगों को करना पड़ता है, जिस तरीके से गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, मौसम बदल रहा है, करवट ले रहा है, तो ऐसे में बढ़ती गर्मी के बीच होने वाली तरह तरह की बीमारियों से बचाव को लेकर आज जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता प्रांजल ने। प्रांजल जब डॉक्टर भगवान दास के पास पहुँचे तो भगवान दास ने कैमरे के सामने आकर हमारे तमाम दर्शकों को ये बताया कि किस तरीके से गर्मियों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर भगवान दास ने तरह तरह के टिप्स और तरह तरह की जानकारियां उन्होंने मुहैया कराई। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो गर्मी के मौसम में बढ़ती हुई देखी जाती हैं और उनसे बचाव कैसे किया जाए। मेरठ में पीएनबी बैंक की शाखा में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी और नगरवासियों द्वारा आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जहां नगरवासियों और पुलिसकर्मियों ने बताया कि आग लगने से लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है। फिलहाल बैंक की शाखा को बंद करा दिया गया है। ये पूरा मामला मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र का है। ऋषिकेश में शहर और ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग एक्शन में दिख रहा है। बता दें कि बिजली विभाग लगातार बकाया बिजली बिल के उपभोक्ताओं पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। दरअसल बिजली उपभोक्ता अगर बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं तो विद्युत विभाग उनका कनेक्शन काट देगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। यदि बिजली का कनेक्शन कटता है तो इसके बाद बिल तो जमा करना ही होगा, बल्कि कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए पेनल्टी के साथ अतिरिक्त शुल्क भी विद्युत विभाग उपभोक्ता से वसूलेगा। बता दें कि शहर में लगभग 300 बिजली के कनेक्शन विद्युत विभाग काट चुका है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अकबर अंसारी ने मांग पत्र सौंपने के बाद कहा कि अब तक उनको बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल सका है। बीएसए ने एमडीएम में संयुक्त खाते का आश्वासन दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो वहीं कोटद्वारों का सत्यापन करने के अधिकारी को पुनः बहाल किया जाए। मनरेगा में पक्के कार्य के 60-40 के अनुपात को जारी रखा जाए, इसके लिए निर्देश जारी किया जाए। साथ ही मनरेगा के पक्के कार्य का रेट पीडब्ल्यूडी के अनुसार अपडेट किया जाए। ब्लॉकों में आवास का डेटा खोला जाए। शहरी आवास की तरह गाँव में भी आवास मरम्मति का पैसा दिया जाए। प्रधान काशीगढ़ के साथ मैं एम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास, हम लोगों की कुछ मांगे थी, जो 13 सूत्री मांगे थी उसको लेकर हम लोग आए। प्रथम मांग हम लोगों की यह थी कि मनरेगा का जो रेट है वो 2017 के जीओ के अनुसार है, उसको अपडेट किया जाए। जो पीडब्ल्यूडी के एसआर है उसके अनुसार अपडेट किया जाए। दूसरी हम लोगों की मांग थी कि आदर्श आचार संहिता जो लागू हो गया, तो उस समय तक खंड शिक्षा एक खंड विकास अधिकारी महोदय 40-60 का जो रेशियो है पक्के वर्क का मनरेगा में, उसमें जो पक्के वर्क का वितरण करना था, उन्होंने कहा आचार संहिता लागू होगी, आचार संहिता समाप्त होने के बाद इस पर स्वीकृति दी जाएगी। आचार संहिता जब समाप्त हो गया तो उस समय एमएलसी का चुनाव होने वाला था, 15 तारीख से आचार संहिता शुरू हुआ है और आदर्श आचार संहिता 11 तारीख को ही समाप्त हो गया। उसके बाद 3 दिन टाइम बचा और उसमें उन्होंने लोगों ने फाइल पर स्वीकृत नहीं किया, किसी भी ब्लॉक में फाइल स्वीकृत नहीं किया गया है। और मनरेगा का जो पक्के वर्क हैं वो मार्च से
इसका सेशन समाप्त हो जाता है 30 मार्च को, फिर 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाता है। एक साल का जो पक्के वर्क है हमारे प्रधान साथियों का, जितने ग्राम पंचायत में वर्क है वो समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय उसको स्वीकृत दें कि पक्के वर्क का जो सेशन है वो हम लोगों का लॉस ना हो, और सबको हर ग्राम सभा में नियमित रूप से मानक अनुरूप 40 आज का जो रेशियो बन रहा है वो हर ग्राम सभा में उसको स्वीकृत किया जाए। कैसे कर रहे हैं लोग, उनको उन पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। वो पहले यह होता था कि ग्राम प्रधान ही सत्यापित करते थे। ललितपुर में दोस्त ने दुश्मन बनकर दोस्त पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद युवक खून से लथपथ होकर बोला कि दोस्त ने शराब पिलाकर सुनसान जंगल में ले गया और गर्दन को चाकू से काटा तो वहीं पेट पर भी कई वार किए, उसके बाद भाग गया। पीड़ित बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बजाज पावर प्लांट में कार्य करता था। यह पूरा मामला थाना बार के तुरका दिगैला का है, तो वहीं बार पुलिस मौके पर जांच में जुटी है। कन्नौज में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके मकान और आबादी की भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्वामित्व घरौनी योजना चलाई है, जिसके तहत ड्रोन कैमरे से सत्यापन कराने के बाद आए नक्शे के आधार पर लेखपालों को नक्शे का आधार पर सत्यापन कराने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि गाँव में आबादी भूमि पर कब्जा को लेकर आए दिन आम आदमी के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी, जिसके बाद अब भूमि के स्वामित्व को लेकर हो रही विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने उन्हें समाप्त कराने के लिए घरौनी योजना चलाई है, जिसके तहत प्रशासन ने लेखपाल को लगाकर गांव-गांव बसे लोगों के मकान और आबादी का भूमि का चिन्हांकन कराकर ड्रोन कैमरे से उसका सत्यापन कराया है। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अपने तहसील तिरवा में 133 गांवों का ड्रोन सर्वे कराया गया था, जिनका प्रारूप 5 बन के तैयार था, ऑनलाइन फीड भी है। उसी के क्रम में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हमारे यहाँ अभी 50 ग्रामों का नक्शा प्रदान किया गया, जिसकी 183 सीटें उपलब्ध हुई हैं। सभी लेखपालों को बुला, संबंधित लेखपालों को बुला दे दिया जा रहा है। वो प्रारूप 5 और जो नक्शा प्राप्त हुआ सर्वे ऑफ इंडिया का, उसका सत्यापन स्थलीय सत्यापन करेंगे। सत्यापन सही पाए जाने के बाद पुनः इसको सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा, फिर दोबारा नक्शा 2 तैयार होकर प्राप्त होगा, उसको फिर ग्रामवासियों की उपस्थिति में लेखपाल और सेक्रेटरी द्वारा पढ़ा जाएगा। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो उसके आधार पर फिर प्रारूप 9 और 10 बन के तैयार हो जाएगा, हमारी घरौनी फिर फाइनल करेगी। इससे लाभ क्या मिलेंगे? इससे जो गांव में अभी तक आबादी की कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ये माना जाता था जिसका कब्जा है उसी की ज़मीन है, अब इससे हो जाएगा कि उसकी घरौनी बन जाएगी तो रिकॉर्ड में आ जाएगा, स्वामित्व तय हो जाएगा। चूँकि स्वामित्व योजना है इसीलिए इसका नाम दिया गया है, उससे ये हो जाएगा कि ज़मीन किसकी है, ये घर किसका है, उससे विवाद खत्म हो जाएगा, रास्ते का विवाद खत्म हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि कन्नौज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकार के द्वारा स्वामित्व घरौनी योजना चलाई जा रही है। दरअसल गांव में आबादी भूमि पर कब्जे को लेकर आए दिन आम आदमी के बीच विवाद की स्थिति बन रही थी, जिसके बाद अब ये योजना अमल में लाई गई है, जिसके बाद अब भूमि के स्वामित्व को हो रहे विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने उन्हें समाप्त कराने के लिए घरौनी योजना चलाई है, जिसके तहत प्रशासन ने लेखपाल को लगाकर गांव-गांव बसे लोगों के मकान और आबादी की भूमि का चिन्हांकन कराकर ड्रोन कैमरे से उसका सत्यापन कराया जाएगा। तो जो विवाद हो रहा था लोगों के बीच, उसको रोकने के लिए लगातार स्वामित्व को लेकर विवाद होते देख रहे थे सभी लोग, इसी को लेकर अब प्रशासन एक नई योजना को अमल में लाया है, जिसके चलते विवाद की स्थिति को टाला जा सकेगा। तो कन्नौज का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके मकान और आबादी की भूमि का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए अब ये नई योजना लाई गई है, जिसका नाम है स्वामित्व घरौनी योजना। इस योजना के तहत आपको बता दें कि ड्रोन कैमरे से सत्यापन कराने के बाद जो नक्शा आएगा उसके आधार पर लेखपालों को नक्शे के आधार पर सत्यापन कराने का काम शुरू कर दिया गया है। उनके द्वारा गांव में आबादी भूमि का कब्जा को लेकर आए दिन जो स्थिति थी विवाद की बनती थी, अब इस योजना के आने के बाद वो विवाद की स्थिति कम होती हुई नजर आएगी। तो कन्नौज की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आबादी की भूमि के जो विवाद होते थे उनका निस्तारण करने के लिए अब एक नई योजना प्रशासन की ओर से लाई गई है, जो कि सरकार की ओर से निर्देशित की गई थी। आपको बता दें कि ये योजना दरअसल ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके बीच आबादी और मकान के रिकॉर्ड को लेकर कई तरीके के विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, जिसको अब टालने के लिए योजना जो लाई गई है उसका नाम है स्वामित्व घरौनी योजना। अब इस योजना के तहत आपको बता दें,
किया जाएगा और ड्रोन कैमरे से सत्यापन कराने के बाद नक्शा जो आएगा उसके आधार पर लेखपालों को नक्शे के आधार पर आपको बता दें कि सत्यापन कराने का काम शुरू करवा दिया गया है। गाँव में आबादी भूमि पर कब्जे को लेकर आए दिन आम आदमी के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती थी, जिसके बाद अब भूमि के स्वामित्व को लेकर हो रहे विवाद को केंद्र सरकार ने समाप्त कराने के लिए घरौनी योजना चलाई है। तो स्वामित्व घरौनी योजना चलाई गई है ताकि विवादों को टाला जा सके। और आपको यह भी बताते चले कि घरौनी योजना के तहत प्रशासन ने लेखपाल को लगाकर गांव-गांव बसे लोगों के मकान और आबादी की भूमि का चिन्हांकन कराकर ड्रोन कैमरे से उसका अब सत्यापन कराया जाएगा। कन्नौज की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर अब भूमि विवाद को टालने के लिए जो स्वामित्व घरौनी योजना चलाई गई है, जिसके तहत आपको बता दें कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। और ड्रोन का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो ऐसे में अब घरौनी योजना में ड्रोन का इस्तेमाल होगा, जिसके बाद आपको बता दें कि जो सभी तस्वीरें होंगी वो लेखपालों को दी जाएंगी और उसके ज़रिए लेखपाल अब जो रिकॉर्ड है उसको बनाएंगे, उसको प्रदर्शित करते रहेंगे। तो कन्नौज की खबर आपको बता रहे थे जहां पर सरकार के द्वारा स्वामित्व घरौनी योजना चलाई गई है। तो स्वामित्व घरौनी योजना के बाद आपको बता दें कि भूमि विवाद का निस्तारण होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे थे तो कन्नौज की ये बात, जहां पर अब एक नई योजना अमल में लाई गई है ताकि विवादों को भी टाला जा सके। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।